नमस्ते जी, मैं दिलीप नाफड़े जय सरदार शेतकरी उत्पादक कंपनी मलकापुर से आपका अभिवादन करता हूं। सर, पहले कुछ साल पहले हमें किसानों के लिए बहुत सारी समस्या थी और उचित दाम में खाद उचित खाद नहीं मिलता था। दलालों से हम तंग आ चुके थे, बैंक का कर्जा भी नियमित नहीं मिलता था। ऐसी समस्या हमारी थी, उसी समस्या से लेके हमें मालूमात हुआ SFSC से किसान संगठन के बारे में, तो हमने SFSC से मालूमात लेके एक किसानों का 1000 से ज़्यादा किसानों का एक संगठन किया और 1000 किसानों का एक किसान जय सरदार किसान उत्पादक कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद में सर, हमने वो किसानों से 1000 रुपये शेयर्स हमने जमा किए। 1000 रुपये शेयर्स उनके जमा करने के बाद हमारे 10 लाख रुपये जमा हुए। हमारे 10 लाख रुपये जमा होने के बाद SFSC नई दिल्ली ने हमें 10 लाख रुपये इक्विटी गारंटी दिए। ऐसे हमारे पास 20 लाख रुपये हमारे किसान संगठन के पास हमारे खुद के जमा हुए और वो होने के बाद हमने FWWB अहमदाबाद, फ्रेंड्स ऑफ वुमन वर्ल्ड बैंकिंग अहमदाबाद से 35 लाख रुपए का लोन लिया और लोन लेके हमने हमारा कारोबार आगे बढ़ाया। वो कारोबार आगे बढ़ाते वक्त हमने शुरू में सॉइल टेस्टिंग से ज़्यादा काम करने का ख्याल लिया, सॉइल टेस्टिंग किया, उससे हमारे ख्याल में आया हमारे बहुत सारे किसान जो हमारे खेती में जो खाद की गरज नहीं है वो डालते थे, उसमें उनका खर्चा बढ़ता था। और सॉइल टेस्टिंग करने के बाद हमारे ख्याल में आया कि जिस खेती में पोटैश की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पोटैश डाल रहे हैं, 800 रुपये का एक बैग एक कर में जा रहा, उसमें 800 रुपये की हमारी सॉइल टेस्टिंग से बचत हो गई है और उन्हें मालूमात भी हो गई है कि ये खेती में हमें क्या लगाना है, कौन सा खाद देना है। ये बहुत बड़ा काम हमें वो सॉइल टेस्टिंग के इससे वहाँ हो गया है। दिलीप भाव तुमची सगळी मंडळी टोळी ना, माझे नमस्कार। नमस्कार नमस्कार साहेब, कमाल केला आहे तुम्ही सगळ्याने। सर आइए, किसी और से भी बात करें जरा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मी अनिता योगेश माळगे बोरामणी सोलापूर हून बोलते। महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प और आत्मा की तरफ से हमने पूरा यशस्वी ने एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी डाले है और ये FPO महाराष्ट्र में से फर्स्ट वुमन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है और हमारे कंपनी में 585 महिला है सर। और हमारे यहाँ हमारा शेयर भाग भंडवल 4,72,000 था और MSCP के तरफ से हमको 13.5 लाख का अनुदान मिला। इस वजह से हमारे यहाँ मेजर क्रॉप तूर है सर और वो तूर पर अभ्यास करके हमने क्लीनिंग ग्रेडिंग मशीन और डाल मिल का प्रोजेक्ट बनाया और इस प्रोजेक्ट के वजह से हमारे महिलाओं को काम मिला और शेतकरियों को जो उत्पन्न है वो डबल हो गया सर। और तूर जो डाल है सर, हम डाल बनकर फार्मर टू कंज्यूमर डायरेक्ट बेचते हैं सर और कंपनी के ब्रांड से बेचते काय, हैं काय, नाव काय तुमचे? अनिता योगेश माळगे। वाह, डाल बेचते हैं और हमने KV के सोलापुर की तरफ से सर हमको टेक्निकल सपोर्ट मिला और BDN 711 जो वराइटी है सर तूर का, इस तूर की वजह से किसान लोगों का जो शुरू में 4 क्विंटल पर एकड़ 4 क्विंटल जो मिलता था, अभी BDN 711 और KVK के टेक्निकल सपोर्ट की वजह से 8 से 10 क्विंटल बढ़ाया सर उत्पन्न। इसलिए किसी जमाने में हमारा सोलापुर हमारे बुनकरों की जो हस्तकला कारीगरी है उसके कारण प्रसिद्ध हुआ करता था और आज आप लोगों ने एक कोऑपरेटिव मूवमेंट को किसान के साथ जोड़ करके ये नए नए आयाम को छुआ है। देश भर के किसान, सोलापुर के मेरे किसान भाइयों बहनों को सुन रहे हैं, यह बहुत खुशी की बात है कि अब किसान उत्पादक समूह FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर संगठित रूप में कार्य कर रहे हैं, जिससे कृषि से जुड़े सामान इनको कम कीमत पर मिलते हैं एवं संगठित रूप से कार्य करने पर इनको उपज के मार्केटिंग में भी मदद मिलती है। गत 4 वर्षों में 500 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों का गठन हुआ है। वर्ष 2018 में बजट में केंद्र सरकार ने किसान उत्पादक कंपनी को
कोऑपरेटिव की तरह इनकम टैक्स में आयकर में छूट प्रदान की है ताकि किसान भाई संगठित होकर के अपनी कमाई में बढ़ोतरी कर सके। तो मैं सोलापुर के ये कोऑपरेटिव मूवमेंट को फेडरेशन के लिए सचमुच में बधाई देता हूं।